देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ SHM, तो वी डीवी कितना है? वी डीवी आ गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया, यही आएगा। तो आप इंटीग्रेट करिए इसको। अब कुछ पता तो है नहीं, आपने ओरिजिन कहाँ लिया, कहीं भी ले लीजिए। मान लीजिए एक्स नॉट पे आपने देखा कि वेलोसिटी कितनी थी, कुछ वी नॉट थी, तो किसी एक्स पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे वी स्क्वायर माइनस, ये डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, बट आपको समझ इसी से आएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 x² माइनस x0 स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके का आ जाता है। मैं इसको और लिखूं, 2 से 2 कट जाएगा, तो वी स्क्वायर कुछ आ जाता है वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x² ठीक है। तो बेटा एक ही इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पर, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये आपको बताऊंगा, आप 12th में इसको और यूज करेंगे कि बेसिकली डिफरेंशियल, इसका जो आंसर होगा ना एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम निकाल लेते हैं, तो इस तरह की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहीं पे भी इस तरह की इक्वेशन बनेगी, आप फटाफट उस सॉल्यूशन को अप्लाई करोगे, ठीक है ना। फिर आप SHM से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि आप देखो इसमें एक्स ये वैसा ही है जैसे मान लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x लिखा होता, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x लिखा होता, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x आप इंटीग्रेट करके निकाल देते, क्योंकि आपको आती है वो वाली डिफरेंशियल और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x1, ये आपको आती नहीं है ना, आप 12th में पढ़ोगे इसको, बट इसका सॉल्यूशन बहुत बार यूज करोगे आप फिजिक्स में, ठीक है ना। तो अब जो भी मैं एक्स से फंक्शन ऑफ टाइम निकालूंगा, बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा। तो जहां भी इस तरह का बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, तो जो मैं अभी रिलेशन निकालूंगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन केवल इस तरह की, और एक और बताऊंगा मैं आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन में, तो दो के आपको सॉल्यूशन याद रखना होगा, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो याद हो ही जाएगा, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो ये बात है इसमें, तो अभी देखते हैं हम निकालते हैं, चलो क्या आ गया, क्योंकि मैथ में आप नहीं करेंगे, फिजिक्स में ही कर रहे हैं हम, जैसे तैसे कर रहे हैं इसको। तो देखो v इक्वल टू कितना आ रहा है आपको, यहाँ से v को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं भी मत लिखता हूँ, अभी इसको आप ऐसे कर रहे हैं, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो टर्म आ रही है ना बेटा, इसको मैं, ये है तो हमेशा पॉजिटिव, तो मैं इसको एक नई क्वांटिटी कुछ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी वो क्या बनेगी, वो बाद में पता पड़ती है। बट वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर को लेट से कुछ ए स्क्वायर बोल रहा हूँ, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर को लेट से, क्योंकि ए हमेशा पॉजिटिव है मान लीजिए, तो ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो मैंने इसको ए स्क्वायर बोल दिया, ठीक है ना। ए क्या है मुझे नहीं पता, कुछ कांस्टेंट है अभी, तो बाद में निकलेगा क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैं ए स्क्वायर रिप्लेस कर रहा हूँ, तो वी कितना आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। बट अभी मैं लिख देता हूँ, पहला इक्वेशन नंबर 1 ये थी, फिर 2 कैसे होगी, 1 क्या है, चलो कोई ना, इसको 2। तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गई आपके पास, अब आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो डी एक्स, अभी ये कॉन्स्टेंट क्या अभी पता नहीं पड़े, धीरे धीरे पता पड़ेगा। ओमेगा पता है हमको, ये ओमेगा वही है कि जो SHM कर रहा होगा उसमें माइनस के आगे जो कॉन्स्टेंट लिखा होगा वो ओमेगा स्क्वायर है, तो वहां से ओमेगा है, ठीक है ना। ओमेगा तो वही है, क्योंकि SHM का मीनिंग क्या है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी जगह डी एक्स बाई डी टी रिप्लेस कर दी, ठीक है ना। वी की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया, वी की जगह आपने डी एक्स बाई डी टी रिप्लेस कर दिया, तो क्या बनेगा आपका डी एक्स बाई डी टी, आपका बनेगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा,
ठीक है, तो इसको आप और करिए, इसको आगे dx इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ऐसे हो जाएगा dt, सॉरी इसको एक साइड ले जाइए, इधर क्यों लिखा मैंने, ऐसे डायरेक्ट ये लिख देता इसको, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा इंटू डी। तो टी इक्वल टू जीरो पर कुछ मान लीजिए कहीं पे था, एक्स नॉट था, कुछ भी जहां से आपने देखना शुरू किया, टी टाइम पर क्या होगा एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इंटीग्रेशन अभी हो सकता है ना आता हो, बट आपको ही रट जाएगा जैसे ही आप मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अभी तो मैं लिख देता हूँ क्या होता है, ये डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ये आपको याद करा जाएगा, डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकालना है तो अभी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डाल के निकाल सकते हैं, तो ये जो आंसर आता है इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है बेटा। जैसे मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर याद कराया तो 1/8 टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ऐसे डीएक्स इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनता है, ये बनता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए बनता है। ठीक है, तो अभी नहीं आता आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे जब अपने आप आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बाई ए ये आपका एक्स नॉट से लेकर एस तक है, ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा इंटू टी आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है, साइन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो अब लेट्स से इसको जो ये कांस्टेंट है साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, इसको मैं कोई कांस्टेंट बोल रहा हूँ, कांस्टेंट ही ये थोड़ी चेंज होगा, जो टी इक्वल टू जीरो पर हो गया एक्स नॉट वो फिक्स है, वो टाइम के साथ थोड़ी नहीं वेरी कर, तो ये भी एक पूरा कांस्टेंट बन रहा है। तो लेट्स से पुटिंग साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा पुट कर दिया इसको, ठीक है ना। तो अब आपका देखो इसको अपर लिमिट माइन, ये तो आपका डेल्टा हो गया, इसको उधर ले जाओ तो ये क्या बन गया, तो फाई नॉट क्यों नहीं कर देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए को फाई नॉट कर देता हूँ ना, फाई नॉट ज्यादा यूज करते हैं, फाई नॉट। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बन गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो यहां से x कितना आ गया, x आ गया a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ये आपका पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन आ गया, जहां आपके लिए a और फाई नॉट अननोन है, ये निकलेंगे आपकी कंडीशंस क्या है, t पर t इक्वल टू जीरो पर क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि आप ऐसे ही निकालोगे। अब आपको याद हो गया बेटा जो आप लेके चले थे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का सॉल्यूशन क्या आता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आता है, बट ए और फाई डिपेंड करेंगे आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहाँ पर है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, उन सब चीजों से। तो हमेशा ये होगा जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये लिख रहे होंगे तो ये दो कॉन्स्टेंट आपको बाकी कंडीशन से निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। बट इतना समझ में आ गया कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो पोजीशन तो ये होगी, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी किसी भी टाइम पर, वो डीएक्स बाई डी टी डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो जितनी आपको ये याद है एस एच एम की, ये भी वैसे ही याद होगी हमेशा, ये भी सिंपल, अभी कोई इस तरह की इक्वेशन फॉलो करेगा तो दैट मस्ट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसी पार्टिकल की पोजिशन या पोजिशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है तो वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ये कहाँ से निकली, इसी से निकली, ठीक है। तो यहाँ तक इक्वेशन की बात तो समझ में आ गया, अब ए और फाई नॉट के थोड़े जनरल मीनिंग पे भी जाएं हम, ए और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये सुनिए, साइन के आगे जो कुछ भी बना है इसको हम फेज ऑफ द पार्टिकल कहते हैं, क्या नाम होता है इसको, नाम दे दिया अभी आप इसका नाम याद रखिए बिल्कुल बिना मतलब के, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में कुछ इस तरह की होगी हमेशा, अब ये क्लियर है आपको, ठीक है ना, हमेशा जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होगी इस तरह की होगी। और अगर मान लो एक नोट पे लगा देते हैं अब सारी चीजें, ठीक है ना, नोट पे लगा देते हैं, 5 मिनट ही है,
नोट्स लिख लेते हैं अपन। जैसे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर से आपने लिखा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ठीक है ना। अगर ये होता शुरू में तो आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने डिराइव किया, कि अगर मान लो ये होता, ध्यान से देखेंगे बेटा ये नोट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन का एनालिसिस है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, अगर इक्विलिब्रियम पोजिशन आपकी वो नहीं होती तो आप क्या करते, एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम करते, तो आपकी फाइनल इसके सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, केवल वैसे ही आ जाता है। बस जो आपने एक्स बोलोगे उसको क्या बोलोगे आप, बस एक्स को आपने एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम से रिप्लेस कर दिया, यही आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, साइन ओमेगा टी प्लस फाइनल। बट यहाँ लगाना ना भूले, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। तो क्या ये एस एच एम की इक्वेशन है क्या, है क्या ये एस एच एम की इक्वेशन है क्या, बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो दोनों है आपके पास, दोनों यहाँ पे लिख लें एक बार, एक तो ये है और दूसरी है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इससे क्या निकाला आपने, इससे है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये दोनों ही एस एच एम की है, बट मीन पोजीशन का डिफरेंस है, ठीक है ना। अभी मेरे को कुछ नहीं पता कि इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, बट पहला नाम मैं अब रख रहा हूँ कि साइन के आगे जो कुछ भी टर्म लिखी होगी, क्योंकि अगर पार्टिकल एस एच एम कर रहा है तो इन दोनों इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, इस वाली को, इन दोनों को, या फिर इन दोनों को, डिपेंडिंग ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी, ठीक है। तो इसमें जो साइन आ रहा है दोनों में, साइन के आगे जो भी टर्म होता है, यहाँ पर जैसे ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज कॉल्ड, इसका नाम है बेटा, अभी जस्ट नाम रख रहा हूँ, इज कॉल्ड फेज ऑफ द पार्टिकल, फेज ऑफ एस एच एम इज कॉल्ड फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट टाइम टी, ठीक है, इज कॉल्ड फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट टाइम टी, ठीक है। और अगर टी इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, फाई नॉट आ जाएगी। तो इसलिए फाई नॉट को क्या कहते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं, ठीक है ना। एट टी इक्वल टू जीरो इसमें डालोगे तो फेज ऑफ पार्टिकल क्या कहलाएंगे, एट टी इक्वल टू जीरो फेज ऑफ पार्टिकल कितनी आ जाएगी, फाई नॉट। तो इसलिए हेंस फाई नॉट, अब नाम आ रहे हैं आपके पास कि ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज कॉल्ड फेज ऑफ एस एच एम एट टाइम टी। और कुछ नहीं पता अभी आपको नाम के बारे में, क्योंकि आपकी डेफिनेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से शुरू हुई थी, ठीक है। फेज ऑफ पार्टिकल इक्वल टू फाई नॉट, हियर फाई नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, हियर फाई नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, फाई नॉट आपकी क्या होगी, इनिशियल फेज, ठीक है। तो इसके बाद हम कल टैकल करेंगे इसको।